गाला आउंदे अगले होदे ने घड़े घड़े किती पे घड़े में जाकर पानी ले आ हां पानी भर रख दे ला कहने आन त रबड़ी जरा मिल जान ओए के ना किती पे अल्लाह पाक आपकी मुश्किल दूर फरमाए आपने दुआ करनी है इंशाल्लाह आपका वक्त पर इंतजाम हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम में सदका जारिया में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस माँ जी का वाटर पंप नहीं है, वाटर पंप लगवाना है इनका। और बहुत से बस्तियां हैं, बहुत से फैमिलीज़ हैं जो पानी के लिए प्यासे हैं, पानी पीने के लिए, जिनके यहाँ वाटर पंप नहीं है। वाटर पंप की अशद ज़रूरत है इस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, दुआ है रब्बे ज़ल जलाल से, मेरे देखने वाले जहाँ रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में रहें। तो आज मैं मौजूद हूँ इस माँ जी के पास जिसके चार बच्चे हैं छोटे छोटे। इनका जो हस्बैंड है मेहनत मजदूरी करता है, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी पर काम करता है, किसी दिन उसको मजदूरी लगती है तो किसी दिन नहीं लगती। तो ये बेचारी, इनके यहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है, इनके घर में वाटर पम्प मौजूद नहीं है, पानी के लिए बहुत ज़्यादा तंग है। ये मेरी माँ, यहाँ पर वाटर पंप नहीं है, बहुत ज़्यादा तंगी है। पड़ोसियों के यहाँ से, हमसायों के घर में जाकर पानी ले आती हूँ, बहुत ज़्यादा तंगी होती है रात के वक्त में जब पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी गुर्बत है इस बेचारी के यहाँ में, आप देखें एक वाटर पंप तक नहीं लगवा सकी ये बेचारी। इनका कहना है सुबह की होती है तो शाम की नहीं होती, शाम की होती है तो सुबह की नहीं होती। तो इनका जो हस्बैंड है मिस्त्रियों के साथ मेहनत मजदूरी करता है, उसको उजरत मिलती है 500 रुपए, इतनी उजरत मिलती है। तो चार बच्चे हैं इनके छोटे छोटे, तो बामुश्किल यानी इनका कहना है घर का गुजारा कर रहे हैं। तो अब इस माँ जी से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी, कैसी हैं, तबीयत ठीक है? तो आपने वाटर पम्प क्यों नहीं लगवाया? बाल नहीं निके निके रहे, दुवे दे 500 रुपया दिहाड़ी चाहे जरा वो राशन पानी चाहिए बाल। अच्छा जी, 500 रुपया दिहाड़ी मिलती है उसको, वो भी शाम का तकरीबन रोटी बनती है हमारे घर की। तो वाटर पंप इसी वजह से नहीं लगवाया? नल का लगवाया का नहीं, फारी हो गए था आज नल के दी कीमत नाम देनी हो भी इतनी का नहीं आज नहीं लगवा। वाटर पंप लगवाने के लिए हमारे पास रकम नहीं थी, तौफीक नहीं थी, इतनी गुंजाइश नहीं थी, इसी वजह से गुजारा कर रहे हैं हम साइयों के पड़ोसियों के यहाँ से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस माँ जी को, इन छोटे बच्चों को पानी की ज़रूरत है। ये थल का इलाका है जहाँ पर पानी की किल्लत है बहुत ज़्यादा। तो बहुत से यहाँ विलेज हैं, बहुत से ख़ानदान हैं जिनके यहाँ वाटर, जिनके घरों में वाटर पम्प नहीं है, बेचारे केनियों में बाल्टियों में दूर दूर से जाकर पानी ले आते हैं। पानी के लिए भी ये इलाका तड़प रहा है, प्यासा है, पानी नहीं पीने के लिए। देखें वाटर पंप लगवाना सदका जारिया है, पानी पिलाना सदका जारिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सदका जारिया के लिए आए, इस जहां वाटर पंप की ज़रूरत है, इस मेरी माँ जी को वाटर पंप नहीं है, इन बच्चों को पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इंशाल्लाह माँ जी आपने दुआ करनी है, आपका वाटर पम्प बहुत जल्द लग जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। आपने दुआ मिल जाए तो पानी कहाँ से ले आते हैं आप बच्चों के लिए, कहाँ से पानी लेते हैं आप, कहाँ से पीते हैं, कहाँ से ले आती हैं पानी? ये का कितना दूर है वो? ये में बाल्टी वगैरह में अगले होते ने घड़े किती पे घड़े में जाकर पानी ले आते हैं, पानी भर रख दे। कहने आन त रबड़ी जरा मिल जान ओए के ना किती पे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल दूर फरमाए, आपने दुआ करनी है इंशाल्लाह आपका वक्त पर इंतजाम हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम में सदका जारिया में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस माँ जी का वाटर पंप नहीं है, वाटर पंप लगवाना है इनका। और बहुत से बस्तियां हैं, बहुत से फैमिलीज़ हैं जो पानी के लिए प्यासे हैं, पानी पीने के लिए, जिनके यहाँ वाटर पंप नहीं है, वाटर पंप की अशद ज़रूरत है इस इलाके में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाटर पंप के लिए आए, इस नेक काम में सदका जारिया में हिस्सा लें। ऐसे प्यासे जो मेरे माएँ बहनें भाई, ऐसी जो प्यासे मेरे माएँ बहनें हैं, इनकी ये वाटर पंप की ज़रूरत है। तो पानी पिलाना सदका जारिया है, तो आए सदका जारिया में हिस्सा मिलाएँ, इनकी दुआओं का हिस्सा बने। तो नाज़रीन इकराम तब तक चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं।